नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 का हम 10वां प्रश्न कर रहे हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो अमन की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। यानी पहले पुत्र की आयु पता होगी तो अमन की आयु पता चलेगी। तो मैं मानता हूं, मान लो पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आज की आयु, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले वाली आयु भी है, इसीलिए इसको हम वर्तमान कहेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। तो अमन की वर्तमान आयु ये हो जाएगी इसकी 3 गुनी। x का 3 गुनी कितना होगा, 3x, 3x वर्ष। अब क्वेश्चन में है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 10 वर्ष पूर्व क्या होगा देखते हैं। पुत्र की आयु आज पुत्र की आयु है x, 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, x में से 10 माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु कितनी होगी, आज अमन की उम्र है 10, 3x, इसमें से 10 माइनस कर दो, तो यह उसकी 10 साल पहले की आयु आ जाएगी। समझे बच्चों, है ना। आज यदि आप 14 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने के होंगे, 14 में से 10 माइनस कर दो। ऐसे ही पुत्र x साल का है आज, 10 साल पहले कितने का होगा, x में से 10 माइनस कर दिया। अमन 3x सालों का है आज, 10 साल पहले कितने का होगा, 3x में से 10 माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू ATQ लिख देते हैं इसको, आप प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। यानी जो अमन की आयु है 3x-10, ये किसके बराबर थी, पुत्र की आयु 10 साल पहले वाली उसका 5 गुनी थी। यानी उसको 5 से गुना कर दो। दोबारा देखो, 10 साल पहले वाली अमन की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। तो पुत्र की आयु है x-10, 10 साल पहले वाली, उसको 5 से गुना करेंगे तो वो अमन की वैल्यू आयु आएगी। इसको हम हल करते हैं, 3x-10 बराबर, ये जो 5 है ये ब्रैकेट में इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, ठीक है बच्चों। तो 5 गुना x हो गया 5x, माइनस 5 गुना 10 हो गया 50। 3x, 5x इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर यही है, माइनस 50 है यहां पहले से, ये माइनस 10 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसको हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाले 2x, 7 में साइन बड़ी रकम का, माइनस बराबर, माइनस प्लस माइनस, 50 में से 10 निकाले 40, साइन बड़ी रकम का माइनस। अगले स्टेप में माइनस 40, माइनस 2x के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। अब माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 40, 20। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले पुत्र की वर्तमान आयु, देखो ध्यान से, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी ली थी हमने, ये देखो यहां पे, पुत्र की वर्तमान आयु थी x वर्ष, तो यानी x, और x कितना आया, 20।
20 वर्ष, ये आ गई पुत्र की आयु। ठीक है जी, ऐसे ही हमने निकालनी है अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु। अब ध्यान से देखना बच्चों, अमन की वर्तमान आयु कितनी निकाली थी हमने, 3x वर्ष। कितनी निकाली थी, 3x। तो 3x का मतलब कितना होता है, 3 गुना एक्स, एक्स कितना है 20, तो 3 गुना 20 कितना हो गया 60 वर्ष। कितना हो गया 60 वर्ष। इसका मतलब पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 20 वर्ष और अमन की जो वर्तमान आयु है वो है 60 वर्ष। यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लाइक करते हैं तो हमें और ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद बच्चों।